सो आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को कैसे ब्रांड बना सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, और कैसे लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं व्हाट इज सेल्फ ब्रांडिंग, या कह सकते हैं हाउ टू अर्न फ्रॉम सेल्फ ब्रांडिंग, या आप कह सकते हैं कि सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करें, हाउ टू डू सेल्फ ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू सेल्फ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोगों के सर्चेस ऐसे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि वो सेल्फ ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक ब्रांड बना दें ऑन सोशल मीडिया और उससे आप अर्निंग करें, जैसे कि ये जो चैनल है वहाँ मैं अपने आप को एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहा हूँ ऑनलाइन मनी में, कि लोग मुझे ऑनलाइन मनी के नाम से जाने, तो ये भी एक ब्रांड है। ये भी एक मेरा पर्सनल ब्रांड तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो ये भी एक ब्रांड है। और ब्रांड जब पर्सनल ब्रांड कब हो जाता है, जब वो आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, आप कैसे पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो सोशल मीडिया पे, हाउ टू डू पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, और कैसे आप इसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। वो भी मैं आपको उदाहरण दूंगा एक बहुत ही बड़े व्यक्ति का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से ये किया और इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड, ना कि हमारे कंट्री इंडिया में, वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने अगर अपने चैनल ऑनलाइन मनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि भगवान आपको कभी श्राप ना दे। तो प्लीज़ गाइज कर दो, अगर नए हो पीछे लाइक का बटन है, लाइक के बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको ऐसे कंटेंट पता चले कि आप कैसे ऑनलाइन में अर्निंग कर सकते हो, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो जर्नी में। जो मैं सीखूंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लेके, फ्री का। ये अपना जो कॉस्ट है वो फ्री है ऑन YouTube, फ्री, बस आपको अपना MB लगाना है और चैनल को देखना है। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ऑन WhatsApp, ऑन सोशल मीडिया, ऑन Facebook, ओके। तो यहाँ सब शेयर वेयर कर लेना अपना। लेकिन गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को लाइक कर दो, और आज अपने को चाहिए 21 लाइक्स, तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करना, ताकि यहाँ आपको मैं अवेलेबल कंटेंट देता रहूँ। तो प्लीज़ गाइज आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करो वीडियो को, ताकि हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी हो सके। तो दोस्तों क्या है पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। पर्सनल ब्रांडिंग ये होती है गाइज कि आप अपने आप को एक ब्रांड दिखाते हो ऑन सोशल मीडिया। अब आपको इसके लिए पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा, आपको पहला स्टेप ये लेना पड़ेगा कि आपको अपना एक नाम चुनना है जो हर सोशल मीडिया पे हो। गाइस मैं पहले बता दूं, ये जो ब्रांडिंग है, सेल्फ ब्रांडिंग, मैं ऑन सोशल मीडिया बता रहा हूँ, ना कि आपको ऑफलाइन या किसी और तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑन सोशल मीडिया लेके बता रहा हूँ कि आप वहाँ अपने आप को कैसे ब्रांड कर सकते हैं और एज अ ब्रांड शो कर सकते हैं पूरी दुनिया को। तो वहाँ आपको करने के लिए सबसे पहले आपका हर जगह अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी हो, प्रिंटेड, स्नैपचैट, जो जो इंडिया में चलता है, या आप जिस जिसको फॉलो करते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम 3-4-5 ऐसे आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होने चाहिए। तो ये हो गई पहली चीज़ जो आपको मैंने बताई बेसिक, और उसके बाद जो चीज़ है वो है प्रोफाइल। गाइस आपको प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से बनाना है, जो भी आपका निश है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके। मान लो मेरा जो सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योर है, तो मेरी जो सारी चीज़ें रहेंगी वो एज अ एंटरप्रेन्योर मैं पूरा वहाँ पुट करूँगा कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये अचीव किया, मैं ये अर्निंग करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो ये ऐसे ही आपको भी अपना जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो करना है, और वहाँ अपने प्रोफाइल में आपको दिखाना है कि आप ये करते हो, तब आपके साथ लोग कनेक्ट करेंगे। तीसरी चीज गाइज आपको करना है लोगों के साथ कनेक्ट जो आपके निश से, आपके सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। मतलब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप एक फैशन ब्लॉगर हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर को काट दो क्योंकि इन्फ्लुएंसर हर चीज में होते हैं। तो अगर आप एक फैशन ब्लॉगर हो तो आपको फैशन ब्लॉगर्स की कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, जितने भी फैशन ब्लॉगर हैं उनको घेरे में लेना है। इसका मतलब ये कि जितने भी बड़े बड़े फैशन ब्लॉगर हैं उनको फॉलो करना है, और उनके जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो करना है निरंतर,
व्हाट अ हिंदी, हिंदी अच्छी बोली मैंने। तो आपको निरंतर कंटिन्यू उनको फॉलो करना है और देखना है कि वो अपने प्रोफाइल में क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और कंटिन्यू चीज़ों को अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा, मोटिवेशनल कोट्स डालूँगा, मोटिवेशनल लाइन एंड वीडियो शेयर करूँगा। ऐसे ही अगर आपका कोई निश है फैशन का तो आप फैशन की चीज़ें बताओ, फैशन के बारे में बताओ, क्या चीज़ यूज़ करते हो, कौन सा पाउडर, कौन सी लिपस्टिक लगाते हो, ये सारी चीज़ें बताओ तो आपसे लोग थोड़ा सा खुश होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंस्पायर तो नहीं बोल सकता, ये थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाता है यहाँ के लिए, लेकिन थोड़ा खुश होंगे और आपको जानना स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो तीन स्टेप हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पर्सनल ब्रांडिंग में। फिर उसके बाद जब आपको लाइक्स, कमेंट, शेयर और पहचाना लोग स्टार्ट करेंगे, ये एक नेक्स्ट स्टेज होता है जहां आपको समझ में आने लगे कि दुनिया आपको जानना स्टार्ट कर दी है। और यहां से आप ब्रांड्स को पिक करना स्टार्ट करोगे, इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करोगे लोगों को और ब्रांड को पिक करना, जहां ब्रांड भी आपके साथ आएंगे कोलैब्स करने के लिए और जहां आपको मिलेगा पैसा। गाइस, पर्सनल ब्रांडिंग से आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। इंडिया में ये अभी नया नया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी पता चल रहा है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग आप सोशल मीडिया पे कैसे कर सकते हो और कैसे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो नया है इंडिया में, लेकिन बाहर ये बहुत ही पहले से हो रहा है, तो आप बाहर के लोगों को फॉलो कर सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल दे दूँ, एग्जाम्पल मैं दूंगा वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर फॉर मी, गैरी वी। ठीक है गाइस, गैरी वी को आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूँ, बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, नेल इट। मतलब उस बंदे ने पूरा धूम मचा के रखा है यूएस से लेके इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। वो उनका ये कहना है कि वो किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं समझते अपने साथ, मतलब एक ईगो में नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, वो बोलते हैं कि आप जैसे लोगों का काम है कहना तो उनको कहने दो ना, ठीक है, तो उनको कहने दो, वो आप अपना काम करते रहो, आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना वैल्यू देते रहो, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको पहचानेंगे और आप एक ब्रांड बन जाओगे। ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स आपको दे देता हूँ इन लास्ट। तो वो टिप्स और ट्रिक्स ये हैं कि गाइस, आप अपना ब्रांड का कुछ लोगो बना लो, कुछ मार्क बना लो जिससे लोग आपको पहचानने लगें। वो मार्क हर जगह यूज़ करो, जैसे कि ऑनलाइन मनी का लोगो तो वो यूज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, हर जगह वो यूज़ करता हूँ, जैसे स्लिप एंड अर्न जो हमारा इंस्टाग्राम है वो मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ तो वहाँ लिख देता हूँ @SlipAndEarnInstagram। सो इससे क्या होता है, एक ब्रांड बनता है, अगर कोई शेयर भी करता है तो आपका नाम वहाँ जाता है। लोगो यूज़ करो, अपना अलग स्टाइल बनाओ, अपने बोलने का स्टाइल बनाओ, अपने वीडियोस का स्टाइल बनाओ, अपने हाथ वत हिलाओ, ऐसा करना, मतलब तो हर लोगों का साइन। चलिए शुरू करते हैं, आपको समझ में आओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल गुरु जी की। चलिए शुरू करते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने इसको ब्रांड, एज अ ब्रांड यूज़ करा। अब आप जैसे कोई बोलेगा एज अ साइन लैंग्वेज आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, तो ऐसे ही ब्रांड बनता है, समझ रहे हो। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, अगर वो मैं बताना स्टार्ट कर दूँ तो ये वीडियो आई थिंक 9 मिनट का हो गया होगा, इससे भी ऊपर बन जाएगा, ठीक है, मतलब 20-25 मिनट ये वीडियो चले जाएगा। लेकिन जो आपको मैं बेसिक्स बता दिया हूँ, जो बेसिक्स यूज़ होता है, तो आप ये बेसिक्स यूज़ करके अब स्टार्ट कर सकते हो अपना ब्रांड बनाना। तो ब्रांड बनाना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूँ, अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर या मिलीनियर बिलीनियर ऑनलाइन में बनना चाहते हो तो आपकी पहचान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वैल्यू और नॉलेज पे फोकस करो, यू विल गेट सक्सेस। बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, वरना भगवान आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो देख ली और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या कर लो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सी यू नेक्स्ट वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे सोशल मीडिया साइट से पैसा कमाना चाहते हैं। उनके साथ तो आपको शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मेडिसिन है जो उनको काम आएगी अपना ब्रांड बिल्ड करने में और बहुत सारा पैसा अर्निंग करने में। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।